राष्ट्रीय वंदना चौक पर और लॉकडाउन के तीसरे चरण का दूसरा दिन आज यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दुकानें बंद हैं और लोग जो हैं अपने घरों के अंदर हैं। और इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागपत जो है वो ऑरेंज जोन में रखा गया था, उसके बावजूद यहाँ पर जो है तमाम दुकानें बंद करा दी गई है। जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ सतर्क दिखाई दे रहा है और सभी वाहनों की यहाँ पर चेकिंग भी चल रही है और चेकिंग करने के बाद ही संतुष्टि होने के बाद यहाँ पर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरा जो चौराहा था जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था और ये पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है, तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि बागपत में 17 संक्रमित मामले थे लेकिन जो रात 66 की रिपोर्ट आई है उसमें एक पॉजिटिव आया है जबकि 65 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जिला प्रशासन ने यहाँ पर तमाम दुकानों को बंद करा दिया है और उसके बाद लोगों को भी घरों में रहने की हिदायत दी है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, के न्यूज़ बागपत।